पावर बीआई के अंदर हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, एक सिंपल सा डैशबोर्ड जहां जिसमें हम कोई ज्यादा नहीं लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक डेटा को लिंक करता हूं, कोई भी एक डेटा लेता हूं, इसी डेटा को हम ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। एंड यहां पे इसको करते हैं लोड। डैशबोर्ड बनाने से पहले एक बार डेटा को समझते हैं। डेटा क्या है? डेटा सिंपल सेल्स का डेटा है, जो इसे पहले भी यूज किया है उसी डेटा को मैंने लिया है यहाँ पर। सबसे पहले इसको परसेंटेज में कर देता हूँ, इसकी डेसिमल प्लेसेस हटा देता हूँ। तो यहाँ पे डेटा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कि किस डेट के किस स्टोर में किस सेल्स ऑफिसर ने किस क्वांटिटी से किस रेट पे कितने अमाउंट रेवेन्यू जनरेट करते हुए कितना प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट है किस प्रोडक्ट को और किस सेल किया है और उसकी टारगेट क्या था और रिकवरी मंथ क्या था। सिंपल सा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कुछ स्टैटिक्स चाहिए। क्या चाहिए? स्टैटिक। उससे पहले मैं थोड़ा सा हेडिंग यहाँ पे हेडिंग देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ जो पेज का है इसकी बैकग्राउंड को भी सेट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्टाइलिश हो। तो यहाँ आपके सामने पेज इनपो कैनवस सेटिंग या कैनवस बैकग्राउंड या वॉलपेपर पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शंस मिलते हैं जहां से आप कलर ले सकते हैं, या कैनवस बैकग्राउंड पे जाइएगा यहाँ भी आप कलर ले सकते हैं। लेकिन मुझे कलर नहीं चाहिए यहाँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टाइलिश होना चाहिए। तो जैसे मोबाइल का वॉलपेपर लेते हैं ना, ऐसे इसका भी वॉलपेपर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डैशबोर्ड वॉल पेपर, और यहां पे इमेज पे जाइएगा तो बहुत सारे वॉल पेपर आपको मिलेंगे, दिख रहा है? अब आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको फिट लग रहा है कि हाँ ये ठीक है अट्रैक्टिव है, ऐसे वॉल पेपर को आप क्या करें, डाउनलोड कर लें। क्या बहुत सारे वॉल पेपर दिख रहे हैं ना? तो मान लीजिए मैं इसी को ले लेता हूं, राइट क्लिक और इसी को सेव इमेज कर देता हूं, डाउनलोड में भी सेव कर देता हूं। अब यहां आते हैं वॉलपेपर में, तो कैनवस बैकग्राउंड ही ले लेते हैं और यहां पे इमेज पे क्लिक करते हैं और आप अपना डाउनलोड पे जाके अपनी इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर दे। बट नहीं दिखा, क्योंकि यहां आपको दिख रहा है 100% ट्रांसपेरेंसी है तो कहां से दिखेगा? इसको 0% करें तब दिखेगा। अब यहां पे आता है इमेज फिट, तो नॉर्मल है, मैंने बोला फिट कि अपने हिसाब से वो फिट हो जाए। ये हमारा बैकग्राउंड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि यहां पे मुझे सेल्स का देना है और यहां पे मान लीजिए मेरी कंपनी का लोगो लगाना है। दो चीजें चाहिए। तो यहां होम में ही आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, कुछ भी अगर इस पे अपने हिसाब से टाइप करना चाहते हो तो नीड द टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज कीजिए, इसमें ले लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेल्स डैश बोर्ड और यहाँ पे मैंने कर दिया 2024। बट छोटा बहुत दिख रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके साइड में जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो साइड में आपको इसका फॉन्ट वगैरह मिल जाएगा। तो यहीं से साइज को मैं थोड़ा सा 24 कर देता हूँ, 28 कर दीजिए, सही है 28 कर दिया, बोल्ड कर दिया। इसकी कलर पीछे का जो कलर है वो क्या है, डार्क कलर है, तो जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा उसको थोड़ा सा
व्हाइट रखना पड़ेगा, इसकी इसकी जो कलर है मैंने व्हाइट कर दिया, बट इसकी बैकग्राउंड आ गया, लेकिन मुझे इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड मैंने ऑफ कर दी, तो आ गया टेक्स्ट लिखा हुआ। सेम मुझे यहां पे क्या चाहिए, इमेज चाहिए, मैं लोगो चाहिए, तो यहां इंसर्ट में जब जाइएगा तो इमेज का ऑप्शन आएगा, जहां से आप अपना जो चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे लोगो के लिए मैं सर्च करता हूं, यहां पे लोगो लिया एंड ओके कर दिया, और लोगो को भी यहां रखते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको छोटा थोड़ा सा अच्छा, लोगो अपने हिसाब से स्ट्रेच नहीं होगा, लोगो उसी हिसाब से होगा जो आप रखना चाहते हैं, इतना ही छोटा सही है, ठीक है। और बीच में मैं एक व्हाइट लाइन डालना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए एक तरह से ये दिखे दिखा कि ये है, यहाँ से इस तरह से लाइनिंग, तो लाइनिंग के लिए यहाँ पे आप आइए, इसमें सैप्स में बहुत सारे लाइन भी है, तो लाइन भी ले सकते हैं यहाँ से, लाइन की कलर मैं चाहता हूँ व्हाइट, तो यहाँ स्टाइल पे आइए, कलर व्हाइट कर दीजिए, ये व्हाइट नहीं हुआ, अच्छा बॉर्डर की कलर व्हाइट करनी है, इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसको इस तरह से छोटा कीजिए, और इसको ऊपर फिट कर दीजिए जहां फिट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं पहले यहां मुझे क्या है कि मेरा पूरा का पूरा ऑल ओवर डेटा दिखाना है, डेटा के अलावा फिर बाकी स्टैटिक्स दिखाना है, लेकिन मुझे ऑल ओवर डेटा को शो करना है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम सबसे पहले टेबल को लेंगे, टेबल लिए, टेबल को यहां रखते हैं, टेबल को यहां से छोटा करते हैं, इतना 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 एरिया काफी है, और इसको ऊपर तक ले जाते हैं, अब इसमें अपना डेटा को रखते हैं, तो मैं आईडी रखा, इसमें आईडी नहीं डेट रखता हूं, डेट, अब डेट यहां हेरिकल हो गया, मुझे डेट को हेरिकल नहीं करना है, सिंपल डेट रखना है, डेट के बाद मैं यहां पे स्टोर रखता हूं कि किस स्टोर में, फिर रखता हूं किस सेल्स ऑफिसर्स ने कितनी क्वांटिटी किस रेट पे कितना अमाउंट जनरेट हुआ है और कितनी प्रॉफिट हुई है, सिंपल सा बस मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। अब मुझे जो ये डेटा चाहिए ना, ये डेटा ईयरली और मंथली होना चाहिए, या मंथली, ईयर तो छोड़िए मंथली होना चाहिए, तो यहां आपको स्लाइसर दिखेगा, स्लाइसर के ऊपर मैंने अपना मंथ को लेकर रख दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मंथ हमारा है डेटा में ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आपको यहां पे जो दिखेगा ना वो अप्रैल अगस्त दिसंबर वो सॉर्टेड जो होगा वो अल्फाबेटिक सॉर्ट होगा, और इसमें शॉर्ट कोई और तरीके से शॉर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है, शॉर्ट होगा तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में ही होगा और किसी तरीके से शॉर्ट नहीं होगा, तो यहां पे हम के लिए क्या कर दिया कि मैं मंथ यहां से हटाया और डेट को रख दिया, डेट को जो रखिएगा तो यहाँ डेट आ रहा है तो इसको मैंने हेरिकली कर दिया यहां से क्लिक करके, तो हेरिकली करेंगे तो ईयर मंथ इस तरह से चला आएगा, तो मैंने क्या किया कि यहां से क्वार्टर हटा दिया, डे हटा दिया, ईयर और मंथ रख दिया यहां पे, बट ईयर में यहां पे ईयर करेंगे तो मंथ, इसमें ईयर करेंगे तो मंथ आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ मंथ चाहिए तो मैंने यहां पे
ईयर चाहिए, सॉरी ईयर कर दिया। अब इसको मैं स्लाइसर सेटिंग के अंदर, मैं बताया था लास्ट टाइम में कि मैं इसको वर्टिकल लिस्ट नहीं टाइल्स कर देता हूं, क्या कर देता हूं टाइल्स, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी जो बैकग्राउंड वगैरह है ना, उसकी बैकग्राउंड यहां पे आते हैं कि मुझे टाइटल चाहिए, नहीं टाइटल, टाइटल था इफेक्ट में, मैंने इसको ऑफ कर दिया कि बैकग्राउंड का कोई इफेक्ट नहीं चाहिए। और इसके बाद इसमें टाइटल यहां पे स्लाइसर हेडर नहीं चाहिए, क्योंकि ईयर पति चला है तो हीरे की क्या जरूरत है। फिर यहां पे स्लाइसर्स के अंदर वैल्यू, तो जो वैल्यू है ना इसको मैं ब्लू एंड व्हाइट रखना चाहता हूं, तो इसकी जो यहां पे बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड जो नो है इसको हम दे देते हैं ब्लू, और कलर इसका फॉन्ट कलर दे देते हैं व्हाइट, साथ में बोल्ड, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, अब इसको मैं यहां से थोड़ा सा छोटा करता हूं इस तरह से, और इसको उठा के ऊपर रख देता हूं यहां पर। ठीक है, अब 2024 जो है ना इसको हटा देता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा आगे और करता हूं। इसमें एक चीज और होता है, स्लाइसर सेटिंग में जब जाएंगे यहां पे शैडो कर देंगे तो थोड़ा सा शैडो दिखेगा, लेकिन हाँ शैडो में उतना फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं कुछ और करना चाह रहा था, सिलेक्ट सिंगल मल्टी सिलेक्ट सो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, ये देखिए कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑल का भी ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट ऑल। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल मैं सिलेक्ट ऑल हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं, मैं बताने के लिए दिखाया था आपको, मैं ईयरली मुझे देखना। और फिर मुझे मंथ भी चाहिए, तो अगेन एक और स्लाइसर लेता हूं मैं यहां से, और इसमें फिर वापस डेट को रखता हूं, और इस डेट को हेडकली करता हूं, और यहां से मैं ईयर हटा देता हूं, क्वार्टर हटा देता हूं, डे हटा देता हूं, सिर्फ मंथ रखता हूं, और इसको कर देता हूं ड्रॉप डाउन स्लाइसर सेटिंग। मैंने क्या किया, वर्टिकल लिस्ट की जगह पे ड्रॉप डाउन, इसकी भी अपने हिसाब से छोटा करता हूं, और यहां पे अब इसकी आता हूं यहां पे, यहां पे स्लाइसर सेटिंग में, फिर ये जनरल में इसका जो इफेक्ट है, मतलब जो बैकग्राउंड है उसको हटा दिया, और यहां पे सिलेक्शन हीडर, हीडर की कलर जो है वो व्हाइट कर देता हूं ताकि ऊपर दिखे, और साथ में जो वैल्यू है, वैल्यू की जो कलर है उसको भी व्हाइट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम 2020 सेलेक्ट करेंगे, और मंथ पे जैसे यहां पे 2020 किया, ये 2020 का आएगा। यहां से मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, अब यहां डेट इस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और इस पे हम आते हैं इसकी सेटिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पे स्टाइल है, डिफॉल्ट के जगह पे मैं मिनिमल ले लेता हूं तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैं यहां पे ग्रिड में आता हूं, तो ग्रिड में हॉरिजॉन्टल नहीं, मुझे वर्टिकल ग्रिड ऑन कर देता हूं ताकि इस तरह से टेबल में दिखे, और बाकी कुछ इसमें नहीं है। हाँ, इसमें हम कॉलम हेडर हो गया। अब इसके यहाँ पे आते हैं, ये आपका टाइटल होता है, तो टाइटल को ऑन कर दीजिए,
और यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, मैं देता हूँ कि सेल्स रॉ डेटा, ठीक है, ये दे दिया हमने, और डिवाइडर ऑन कर देता हूं तो यहां पे एक डिवाइडर आ गया इस तरह से। बाकी और फॉर्मेटिंग करना है इसमें आप कर सकते हैं। हेलो, अब यहां जो हम देंगे अपनी टोटल देंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, टोटल अमाउंट, इस तरह से पूरा स्टैटिक्स देना है। तो उसके लिए हम कार्ट को लेते हैं, कार्ट को लिए, यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ। अब यहाँ देखिए ए, अब जैसे कि यहाँ पे मुझे हर कार्ट की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो मैं अब यहाँ पे हर कार्ट की फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें टोटल क्वांटिटी दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो लेबल है ये लेबल को हटा देता हूँ, और इसकी जो वैल्यू है प्लॉट वैल्यू, इसकी कलर व्हाइट कर देता हूँ। बोले से व्हाइट दिख नहीं रहा है, दिखेगा। अभी मैं क्या करूंगा कि इसकी जो बैकग्राउंड हटा दूंगा ना, मैं देखिए बैकग्राउंड हटा दिया, दिख गया। और यहाँ पे मैं टाइटल ऑन करके यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्ड क्वांटिटी, और इसकी कलर भी यहां से व्हाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। और आपको यहाँ पे डिवाइडर डालना है तो इस तरह से डिवाइडर भी डाल सकते हैं, डिवाइडर के कलर यहाँ पे व्हाइट करना है तो व्हाइट कर सकते हैं। देन मैं इसकी यहाँ पे इफेक्ट में बैकग्राउंड हटा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे शैडो ऑन कर देता हूँ, बट शैडो ऑन कर दिया दिख नहीं रहा है कुछ। इसको एक मिनट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जनरल में इफेक्ट शैडो, शैडो ऑन है, और ब्लैक की जगह पे मैं हल्का सा ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है सर। अब इसी को कॉपी कीजिए और यहीं पे पेस्ट कीजिए, तो बार बार आपकी फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको उठा के साइड में कीजिए यहाँ पे, और सोल्ड क्वांटिटी की जगह पे अब जो है इसमें क्या डाल दीजिए, तो मैं डाल देता हूँ अपनी टोटल अमाउंट, कि हमारा टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ है, ये रहा अमाउंट। और इसमें हम जो है आते हैं कहाँ पे, टाइटल पे, सिर्फ टाइटल से चेंज करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू, इन उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो फिर वापस इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने इसको रख दिया। और यहां से मैंने क्या किया, सम ऑफ द अमाउंट हटाया और यहाँ पे अपनी प्रॉफिट को रख दिया, और फिर टाइटल में गए, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रॉफिट इन आरएस या आईएनआर, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर मुझे एक और यहां पे सेपरेटर चाहिए व्हाइट कलर का, तो सेम हम सैप्स में लाइनिंग ले लेते हैं, लाइनिंग या फिर बार बार लाइनिंग लेना पड़ेगा दिक्कत हो जाएगा, जब ऊपर में लाइनिंग ले ही रखे हैं तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और इसी को हम छोटा कर लेते हैं। ओके सर, अब यहां पे मुझे कुछ कंपेयरिंग दिखाना है, तो गट चार्ट जो मैंने कल पढ़ाया था उसी गट चार्ट को लेते हैं। तो यहां पे मुझे अपनी क्वांटिटी को रखा और मैंने अपना टारगेट रखा, टारगेट को मैंने मैक्सिमम में रख दिया, ठीक है। देन यहां पे आते हैं, सबसे पहले तो इसकी जो यहां पे जनरल पे आते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है
क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बैकग्राउंड है, जिसकी बैकग्राउंड रखनी नहीं है, तो बैकग्राउंड हटा दिया। देन वापस आते हैं, जो कलर्स है जो कि ब्लू है, ब्लू को मैं हल्का सा ग्रीन पे कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सिस वगैरह है यहाँ पे, ये तो ऑटो है, चलो ठीक है। यहाँ पे डेटा लेवल है, डेटा लेवल का कलर हमने कर दिया व्हाइट, कलेक्ट वैल्यू इसकी भी कलर व्हाइट कर दिया। जनरल एक्सेस में टाइटल, टाइटल में यहां पे लिख देता कि क्वांटिटी वीएस टारगेट और इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये तो हमने दे ही दिया, लेकिन मुझे यहां भी चाहिए, यहाँ पे ये हमने होगी, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये दिख गया टारगेट। अब यहाँ पे मुझे अपना कंट्रीब्यूशन चाहिए प्रोडक्ट बाय, तो हम यहाँ पे अगेन टेबल लेते हैं और यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट को रखा रो में, तो सारे प्रोडक्ट लिस्ट आ गए, और कॉलन में मैंने अपना रखा है स्टोर, नहीं नहीं ये सही है, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी लिखता हूं मैं यहाँ पे वैल्यू, और इस क्वांटिटी के कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, और इस पे हम जाते हैं सेटिंग में, और यहां आपको देखा होगा सेल एलिमेंट, जिसमें हम यहाँ पे अपना डेटा बार ऐड करेंगे, ठीक है। डेटा बार, और डेटा बार का जो इस पे क्लिक कीजिए तो आएगा कलर, तो इस बार कलर थोड़ा सा ग्रीन टाइप का चाहिए, और इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में गए और जनरल में इफेक्ट, इसी बैकग्राउंड में हटा देता हूं, विजुअल में आइए, और यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑफ है, सिर्फ वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही रखना है और वर्टिकल को ऑफ कर देना है, वर्टिकल ऑफ है ना, चलो वर्टिकल ऑफ है, यहाँ बॉर्डर नहीं है, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू की बैकग्राउंड यहाँ पे वैल्यू की बैकग्राउंड कर देता हूँ, एक मिनट, अच्छा इसमें बैकग्राउंड हटाने का इंसर्ट नहीं है, इसमें बैकग्राउंड आप रखना ही पड़ेगा, बैकग्राउंड आपको रखना ही पड़ेगा, इसमें बैकग्राउंड हटा नहीं सकते हैं, बाय डिफॉल्ट व्हाइट है तो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। देन मुझे यहां पे एक और मैट्रिक्स टेबल चाहिए, यहां पे जिसमें हम अपना स्टोर वाइज, एसओ वाइज, टोटल क्वांटिटी शो लेंगे, ठीक है सर। ये डैशबोर्ड आपकी बन के रेडी हो गई। अब इसमें मैंने ज्यादातर टेबल्स का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी हमने टेबल पढ़ा ना इसलिए, और जनरली जो लोग पिवट टेबल इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उन लोगों के इस तरह के स्टैटिक्स में ही चाहिए होता है। अब इस रिपोर्ट को सबसे पहले मैं सेव करूंगा, ठीक है। सेव यहां पे मैं कर देता हूं 6 AM,
और मोर ऑप्शंस में जाता हूँ और मैं अपना लोकेशन चूज कर लेता हूँ। मैं वन ड्राइव नहीं लेता हूँ, मैं डिवाइस डी ड्राइव में 6 AM के नाम से सेव कर लेता। सेव एंड नाउ होम में आके इसको मैं पब्लिश करता हूँ। क्या करता हूँ? पब्लिश। पब्लिश में रिपोर्ट में ले आके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहां मैं अपनी पावर बी आई ऐप पे जाता हूँ, app.powerbi.com, और मेरा लॉगिन है तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स, यहाँ पे मेरा रिसेंट अपडेट में आ जाएगा। यार माय वर्क स्पेस पे आइए, यार रिपोर्ट वाले सेक्शन में किया, मैं रिपोर्ट वाले सेक्शन में आ गया। 6 AM आ गया, ये हो गया डेटा सेट, तो ये आ गया आपका रिपोर्ट। क्लिक कीजिए यहाँ पर, ठीक है रिपोर्ट आ गई। अब इसको मैं यहाँ से फाइल में एम्बेड रिपोर्ट में मैं यहाँ पे वेबसाइट पोर्टल पे या पब्लिक ऑन वेब, हाँ पब्लिक ऑन वेब वेबसाइट पोर्टल में पब्लिक ऑन वेब करके कंटिन्यू किया एंड पब्लिश किया। अब इस लिंक को मैं किसी को भी भेजूं, चाहे आप ही को भेज दिया तो आप इस रिपोर्ट को अब एक्सेस कर पाएंगे। बस इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, लिंक ओपन कीजिए, ये आपका देखिए आ गया। इसके लिए पावर बीआई की कोई जरूरत नहीं है और ये डायनेमिक होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2020 पे क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग हो गया। 2020 का मुझे चाहिए जनवरी का। अच्छा ये देखिए, ये एक मिनट, ये दिखा आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम हो गई तो रिपोर्ट को सही करना है, तो जरूरी नहीं मुझे वापस आना चाहिए। मैं यहीं पे क्या करूंगा, यहीं पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा। जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहां इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे आता हूं, वैल्यू पे आता हूं, इसकी कलर मैंने व्हाइट कर दिया था ना, व्हाइट ना करके हल्का ग्रे कर देता हूं मैं, ताकि जब ड्रॉप डाउन होगा तो दिखेगा। अच्छा इसकी एक काम और कर सकते हैं कि बैकग्राउंड व्हाइट के जगह पे बैकग्राउंड मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क मोड कर, नहीं नहीं सही रहेगा, बैकग्राउंड व्हाइट ही सही रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया, ये हो गया हमारा चेंज हो गया। सेव रिपोर्ट, सेव दिस रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट सेव हो गया। अब ये जो पावर यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देख आ गया सर। तो आपका यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगी आपका लिंक पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, इसके लिए आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी कंपनी को ईमेल आईडी होगा, उससे इसको आप साइन अप कर सकते हैं, नॉर्मल जीमेल से नहीं होगा सर, पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, आप पावर ऐप डॉट पावर बी आई डॉट कॉम पे या पावर बी आई डॉट कॉम पे ट्राई फ्री पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दाता हूँ आपको खुल जाएगी पावर बीआई। पावर बीआई डाउनलोड या पावर बीआई करते हैं ना, तो यहीं पे आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट फ्री, आ रहा है यहाँ पे स्टार्ट फ्री, तो स्टार्ट फ्री पे आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करते ही आप इसको जो है साइन अप कर लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा, जब भी आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो जो भी कंपनी का आईडी है उसी से लॉगिन होगा, कंपनी का आईडी से ही साइन अप होगा।
क्योंकि जीमेल वगैरह यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता। देख लीजिए, ट्राई प्लीज। नहीं देखिए, उसको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है कि जो ओटीपी आएगा, अगर आपकी एडमिन आपका अगर टेक टीम आपकी ईमेल आईडी को स्कैन कर रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओटीपी आया है। या फिर इन फ्यूचर में कभी आपकी कंपनी यूज कर रही है, नहीं नहीं पता तो नहीं चलेगा भाई, वही ओटीपी आएगा तो पता चल जाएगा। या फिर आपकी कंपनी ऑलरेडी अगर पावर बीआई यूज कर रही है और डोमेन सेम यूज कर रही है, तो आपको साइन अप करने ही नहीं देगा सर, उससे तो बोलेगा कंपनी से कॉन्टेक्ट करें, समझे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल परसों आपके लिए आईडी बना देता हूँ, आज ही दोपहर में या कल परसों में बना दूंगा, ठीक है ना, सबके नाम से, ठीक है सर। चलिए, तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आप भी बनाइए और बना के भेजिए।